वालेकुम, मैं काजी माजिद अली, शहर काजी बिजनौर। अल्लाह का शुक्र है कि आज रमज़ान मुबारक का 29वां रोज़ा है, और अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो कल ईद होगी, और अगर आज चांद नज़र नहीं आता, कल को नज़र आता है, तो फिर इंशाल्लाह परसों जुमे के दिन ईद होगी। इस वक्त सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोरोना महामारी कितनी बुरी तरीके से फैली हुई है। उसी के पेश नज़र हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर भी लॉकडाउन है, और ये ईद इस लॉकडाउन के बीच में आ रही है। लिहाजा हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि इसके लॉकडाउन के जो नियम हैं, जो कानून हैं, उसका पालन करते हुए हम लोग ईद मनाएं। तो लिहाजा हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि ईदगाह में ईद की नमाज नहीं होगी। अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने मकाम पर जहाँ लोग हैं, अपनी ईद की नमाज अदा करें। और ईद की नमाज़ कैसे अदा करनी है, इसके बारे में दारुल उलूम देवबंद से पूरी डिटेल में तफसील आ चुकी है कि ईद की नमाज़ किस तरीके से अदा करें। ईद की नमाज़ के लिए चार लोगों का होना ज़रूरी है, तीन मुक्तदी और एक इमाम। वो नमाज़ पढ़ लें, अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। कोई चार पांच आदमी मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, और आखिर अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। और अगर कोई नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं है तो चार नफिल चाश्त की पढ़ सकते हैं, दो दो नफिल करके चार नफिल चाश्त की पढ़ सकते हैं, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस महामारी से जल्द हम सब लोगों को निजात दिलाए, और जितने लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं सबको मुकम्मल शिफा अता फरमाए, और जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मगफरत फरमाए। तो लिहाजा सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब लोग कोरोना गाइडलाइंस का पाबंदी करें, उस पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर रखें। कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं बहुत ज़रूरत में तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। घरों में भी जो लोग नमाज़ पढ़ें तो ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें, और जितने भी इसमें मेडिकल लाइन की तरफ से जो भी एहतियात बताई जा रही हैं उन सब एहतियात को पालन करें, एहतियात करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हम सबको शिफा अता फरमाएं। और दूसरी अहम बात जो सदक़तुल्फ़ित्र है, जिसे फितरा कहते हैं, ईद की नमाज़ से पहले पहले हर आदमी अपनी और अपने बच्चों की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से फितरा ज़रूर अदा कर लें। इस वक्त जो मार्केट में गेहूं के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है तकरीबन 35-36 रुपए के करीब बैठता है यहाँ बिजनौर में, लेकिन फिर भी एहतियातन 40 रुपए के हिसाब से आप सब लोग फितरा अदा कर दें। 40 रुपए फ़ी आदमी के हिसाब से अपना फितरा अदा करें, ईद की नमाज़ से पहले अदा करें, ताकि जो गरीब मिस्कीन हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। अस्सलामु अलैकुम।